गुड मॉर्निंग गाइस। और मैं थोड़ा सा लेट उठा हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा। और लेट होने का कारण है कि कल रात में मैं थोड़ा सा लेट से सोया था, क्योंकि कल रात में थोड़ा पढ़ाई लेट तक कर ली। वो दोस्त का फ़ोन आया था कि भाई उसको संत नगर मार्केट जाना है, कुछ काम है उसको ज़रूरी, तो हम उसके साथ अभी अब जाएंगे संत नगर मार्केट। फ़िलहाल उससे पहले नाश्ता तो हम कर नहीं पाए क्योंकि नाश्ता स्किप हो गया, तो अब मैं मुँह हाथ धो के अब खाना वाना खा के जाऊँगा। फ़िलहाल बाहर का मौसम तो काफ़ी साफ़ है, वरना कल रात में इतनी बारिश हो रही थी क्योंकि मैं जगा हुआ था लेट नाइट तक, तो कल रात में बहुत ही ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही थी, और वो भी अनएक्सपेक्टेड बारिश हो रही थी क्योंकि कल दोपहर तक भी मौसम बहुत ही ज़्यादा साफ था। अब मैंने खाना खा लिया है और मैं अब जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, जो कि है संत नगर। आगे चल रही है जेसीबी खुदाई, अब मुझे लग रहा है कहीं आधा मोहल्ला वहीं ना हो। चल। अब हम आ गए तिवारी भाई के घर, तिवारी भाई इन द हाउस। चल 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 चल, चला गया तू? चला गया मैं चला रहा। आज कितने दिनों के बाद हम बाइक पे निकल रहे हैं ना, है ना? कितना दिन? मतलब तेरे साथ कितने दिनों के बाद बैठा हूँ बाइक पे। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से वैक्सीन के लिए गए थे तभी। हाँ वैक्सीन के बाद अब आया। भारत की एक युवा देश के विकास में सहयोग देते हुए, तो देखिए हमारा बुराड़ी विकास के क्षेत्र में अग्रसर होता हुआ, विकास की ओर बढ़ता हुआ। और ये विकसित बस, इलेक्ट्रिक बस पहली बार हम देखते हुए अपने क्षेत्र में। गाइज हम आ गए हैं संत नगर मेन मार्केट के अंदर, और आज फिलहाल अभी इतना रश नहीं है, बस जाम था बाहर रोड पे, वरना शाम के टाइम यहाँ पे इतना जाम लगता है कि आप गाड़ी लेके आ ही नहीं सकते, गाड़ी के बाइक नहीं लेके आ सकते, तो गाड़ी तो दूर की बात है। गाइज अभी हम पहुँच गए हैं संत नगर, और ये दुकान है जो आपको मेरे पीछे दिख रही होगी, यहाँ हम आए सामान लेने के लिए। तिवारी भाई ले रहा है अपना सामान। तो गाइस हमने अपना सामान ले लिया है, अब हम यहाँ से चलते हैं, थोड़ी सी सैर वगैरह करते हैं। तो अब हम बुराड़ी के पुस्ता पहुँचने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे पुस्ता क्या होता है, तिवारी भाई इलेबरेट करेंगे कि पुस्ता आखिर होता क्या है। तो अभी समय में थोड़ी कमी होने के कारण हमारे शब्दों में थोड़ा पूर्ण विराम लग गया है। तो यहाँ पे आने का मेन कारण ये था कि हम लोग कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले आए थे, तो यहाँ पे रोड चौड़ी बनी थी और अब ये रोड चौड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह का पहले बहुत ज़्यादा इशू होता था। यहाँ की लाइट्स देखो, दो मुंह सांप वाला लाइट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ का माहौल और मौसम भी जबरदस्त हो रखा है गाइस। तो अब हम पहुँच गए हैं तिवारी भाई के घर, और तिवारी भाई को कहेंगे अब हम अलविदा। भाई जाएगा घर में और मैं जाऊँगा अपने घर पे। टाटा भाई, टाटा। टाटा कौन करेगा? तो अब मैं पहुँच गया हूँ अपने घर, और अब मैं करूँगा थोड़ा सा रेस्ट और फिर करूँगा उसके बाद पढ़ाई। तो अभी मैं देख रहा था लेक्चर, और अनुज भाई का फ़ोन आया कि भाई यहाँ पास में ही बोटिंग हो रही है, चलो देख कर आते हैं। तो
और मैं जा रहा हूँ देखने के लिए कि कैसी बोटिंग हो रही है। तो यहाँ पे बोटिंग पहले भी होती थी, यहीं पास में बलसवा झील है, और बीच में कोविड की वजह से रुक गया था, अब फिर से शुरू हो गया, तो मैं जा रहा हूँ देखने। मानोज भाई इन द हाउस। हेलो गाइस, मेरा एक ही डायलॉग होता है बस। मेरा डायलॉग ही बस इतना था, हेलो बोलने का। ये बोलने नहीं देता मेरे को। हाँ बोले, अब क्या बोलूँ, अभी बोलूँगा आगे आगे बोलेगा। हाँ पहले भाई बाइक चलाने पे कंसंट्रेशन करने दो। ये है झील का आउटर पार्ट, तो अब हम पहुंचने ही वाले हैं। बहुत ज़्यादा छोटी जगह थी, बट अब हम देखते हैं बोट प्लस। और ये जैसा ये लेक दिल्ली टूरिज्म के अंदर आता है। गाइज हम आए तो थे यहाँ पे बोटिंग करने के लिए, बट यहाँ पे बोटिंग मना कर रहे हैं करने के लिए, क्योंकि जो एयर फ्लो है, मतलब हवा जो चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। हवा तेज़ होने की वजह से हमको बोटिंग करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग मतलब कल आना वो स्त्री कल आना। हाँ। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम हमें कब मौका मिलता है, तब आपको हम इसका पूरा अच्छे से टूर देंगे और अच्छे से इसमें बोटिंग करेंगे। जैसे बोटिंग करने लायक बहुत अच्छी जगह है। ये तो है, आज मन तो करा था करने का, लेकिन क्या करें, हवा की वजह से नहीं कर पाए, थोड़ा मौसम ऐसा ही है आजकल। तो गाइस अभी जस्ट मैं पहुंच गया हूं अपने घर, और बोटिंग करने का बड़ा मन था, बट बोटिंग तो हम कर नहीं पाए, तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं कब मौका मिलता है। तो अभी हो गई है शाम और मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।